दोस्तों हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अपने स्टोर पे कैसे प्रोडक्ट डालें, कैसे प्रोडक्ट की वो सेल करें, कौन से निश में जाएं। तो घबराइए मत, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कैसे करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, ये सारी चीजें बताऊंगा और समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में, मैं हूं दानिश। दोस्तों जैसे आपने समझा कि मैं आज आपको प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा है, अली एक्सप्रेस पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन उनमें से आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है, ये आपको कैसे सर्च करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, रिसर्च कैसे करनी है। तो इस वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे आप उबर लोग के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, कैसे आप अली एक्सप्रेस के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, और फेसबुक के थ्रू कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करते हो। देखो प्रोडक्ट रिसर्च करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, हमें उन्हीं प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है जो कि ट्रेंडिंग हो, जो कि विनिंग प्रोडक्ट हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है सोशल मीडिया। आज की जो डेट है उसमें फेसबुक पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होती है, तो हमें बहुत अच्छी रिसर्च फेसबुक से भी मिल सकती है, हमें टिकटॉक से भी प्रोडक्ट रिसर्च मिल सकती है, हमें यूट्यूब से भी मिल सकती है। तो हम इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट निकालेंगे, ताकि हम शॉपिफाई पे उस प्रोडक्ट की सेल करके अनलिमिटेड पैसा कमा सके। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले जो काम करना है वो है आपको एक एक्सेल शीट बनानी है अपनी, जो भी आप डेटा बनाओगे, जो भी रिकॉर्ड करोगे, जो भी रिसर्च करोगे, उसके लिए एक एक्सेल शीट बनाओगे। तो यहाँ मैं आपके लिए एक सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ डाल देते हैं डेट, पहले डाल लेते हैं सीरियल नंबर, फिर ले लेते हैं डेट, किस डेट में हमने रिसर्च करी हम पता चल जाएगा, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो ज़्यादा पुरानी ना हम यूज़ कर लें। प्रोडक्ट नेम, प्राइस अली एक्सप्रेस प्राइस, प्रोडक्ट लिंक, आई थिंक इतना काफ़ी होगा शायद, हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये सारे हम कॉलम बना लेंगे, इनको बोल्ड कर लेते हैं, अच्छा सा कलर दे देते हैं, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये विजिबल हो सके आपको। अब स्टार्ट, इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। प्रोडक्ट रिसर्च, अब सबसे पहले जो हमें प्रोडक्ट रिसर्च के लिए चलना है वो हम क्रोम खोल लेते हैं अपने फेसबुक पेज पे। जब हम अपनी फेसबुक आईडी में जाएंगे तो हम यहाँ सर्च करेंगे 50% ऑफ। देखिए फेसबुक ने हमें ये ऑप्शन दे दिया अपने कीवर्ड जो सर्च हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा। अब हम इस पे कीवर्ड को सर्च करेंगे 50% ऑफ फ्री शिपिंग। देखिए बहुत सारे मार्केट प्लेस है, पोस्ट है, पीपल, फोटो, वीडियो, तो हम वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो भी ड्रॉप शिपिंग के जो ट्रेंडिंग है वो लोग वीडियो ऐड रन करते हैं ताकि प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। तो आप देख सकते हो मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस ओपन हो चुकी हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप प्रोडक्ट की डेट देखते रहोगे, किस डेट में ये प्रोडक्ट पब्लिश हुआ है, ये मतलब वीडियो पब्लिश की है। अब जैसे ये 8 नवंबर 2019 में पब्लिश हुई है लगभग, और ये इसके इतने सारे व्यूज़ हैं, ये 23 जैन को हुई है, ये 7 नवंबर मई में। अब देखो आप मेरे लेफ्ट साइड में देखो डेट, पोस्ट, एनी हमने सेलेक्ट कर रखी है, हम दिस मंथ भी कर सकते हैं, दिस वीक, टुडे, सोर्स ऑल सोर्स पे कर दो, लोकेशन वाइज कर लो, इससे आप चेक कर सकते हो कौन से लोकेशन पे है, कब क्या सोर्स है और कौन सी डेट है। तो मैं अभी इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको कैसी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अब देखो प्रोडक्ट में जो ना एक वाव फैक्टर होना चाहिए। हम सेकंड वाली वीडियो पर आ जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं 50% ऑफ फ्री शिपिंग,
ये देखने में हमें शॉपिफाई स्टोरी लग रहा है, ड्रॉप शिपिंग स्टोरी लग रहा है ये। और एक बार चल के देख लेते हैं ये क्या है। ये वीडियो से समझ में आ रहा है कुछ, ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है प्रोडक्ट। ये हमारे पेन किलर है, जैसे इसमें लिखा होगा गेट रेडी टू ऑल पेन एंड स्ट्रेच विद इन अ मिनट, मतलब ये हमारा पेन और स्ट्रेच को ख़त्म कर देगा। ओके, वीडियो करते हैं पॉज, चलते हैं वेबसाइट पे। ये प्रोडक्ट हमारा इस वेबसाइट पे शो हो रहा है। ये ड्रॉप शिपिंग की ही वेबसाइट है जैसे मैंने आपको कहा, और ये शॉपिफाई स्टोर पे ही बनी हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाता है, जैसे वेबसाइट के डोमेन के बाद प्रोडक्ट्स और उसके बाद प्रोडक्ट का नाम। तो हम एक बार इस प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं, जो हमने अपनी एक्सेल की शीट बनाई थी, इसमें सीरियल नंबर 1 और फर्स्ट फैब डाल देते हैं, इसमें 2020 डेट डाल देते हैं, देन प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं और इसको कर देते हैं 12। प्राइस है इसका $2499। अब इसको चलते हैं हम अली एक्सप्रेस पे सर्च कर लेते हैं, एक बार प्रोडक्ट लिंक भी ले लेते हैं। प्रोडक्ट लिंक को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब एक बार इस प्रोडक्ट को हम अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे सर्च कर लेंगे यहाँ से कि ये प्रोडक्ट वहाँ पर कितने का मिल रहा है। ओके, ये अवेलेबल नहीं है, क्या नॉट पॉसिबल। ये वेबसाइट ने अपना नाम डाल रखा था, हम इसको सर्च कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट ओपन हो चुके हैं। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मैं आपको बता दूं कि आपको पहले उबेरलो का प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो मैं बता देता हूँ आप। उबेरलो एक्सटेंशन फॉर क्रोम, इसको अपने गूगल क्रोम में आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरीके से दिखाई देगा, जब आप अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाओगे तो ये कलरफुल हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो ई पैकेट नो ई पैकेट, हमें ऐसे ही प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जो ई पैकेट पे अवेलेबल हो, क्योंकि ये हमारे डिलीवरी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे मैं आपसे देख सकता हूँ सामने मेरे, ये जितने भी ग्रीन हैं ये ई पैकेट पे अवेलेबल है, ई पैकेट इनकी डिलीवरी दे रहा है। अब आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी कैसे है, अली एक्सप्रेस पे कौन सा बेस्ट सेलर है वो सिलेक्ट करना है। अली एक्सप्रेस का लिंक और ले लेते हैं, अली एक्सप्रेस लिंक। चलिए अब समझते हैं अली एक्सप्रेस पे हमें कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। फर्स्ट वन दिखा रहा है $5.76 और सेकंड वन दिखा रहा है $4.9। तो आप रेट पे मत जाओ, यहाँ परफॉर्मेंस पे जाना है सेलर की। तो ये 4.7 इसको रेटिंग मिली हुई है और ये 1594 प्रोडक्ट सेल कर चुका है। देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है सेलर सेलेक्ट करते टाइम, वो सेलर की रेटिंग है और प्रोडक्ट कितने सेल कर चुका है। मिनिमम मैं आपको जो क्राइटेरिया बताऊंगा वो है 4.5। अगर किसी सेलर को 4.5 से कम रेटिंग दी गई हो तो उसको सेलेक्ट मत करना। तो दोस्तों आपको जो सेलर सेलेक्ट करना है वो अच्छी रेटिंग का करना है, मिनिमम जो रेटिंग रखनी है उसकी वो रखनी है 4.5 से ऊपर रेटिंग का ही सेलर आपको सेलेक्ट करना है। और जो प्रोडक्ट है ना वो कम से कम, मैं अगर मानूं कि 100 तो कम से कम सेल हो चुका हो। तो यहाँ पर इस केस में अगर हम देख सकते हैं तो ये 1594 सेल हो चुके हैं इस प्रोडक्ट के। अब आपके दिमाग में एक बात ही आती होगी, अगर कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है मार्केट में तो कैसे उसको सेलर को रेटिंग मिलेगी और कैसे उसके प्रोडक्ट की सेल होगी, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, वाओ फैक्टर है उसमें, आप देख रहे हो कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो सकता है, तो डेफिनेटली उस पर जाओ। तो अब मुझे कई सारे प्रोडक्ट दिख चुके हैं जिसमें रेट इससे अलग भी है थोड़ा सा। जैसे मैं अगर आऊँ इस प्रोडक्ट पर तो 4.9 की इसकी रेटिंग है और इसके सोल्ड हो चुके हैं 999 और हमें ये $1 सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट उससे। यहाँ भी सेम ही रेट होगा इसका। और तो आप इस तरीके से जैसे स्क्रॉल डाउन करते चले जाओगे आपको रेट मिलते रहेंगे अच्छे।
अच्छे सेलर भी मिलते रहेंगे। तो मुझे जो सेलर अच्छा लगा वो ये है 4.12, और इसके 999 सोल्ड हो चुके हैं प्रोडक्ट, और इसकी रेटिंग भी 4.9 है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ देखिए प्रोडक्ट की इमेज ओपन हो चुकी हैं। अब इसका मैं लिंक कॉपी कर लूँगा और अपनी एक्सेल शीट में पेस्ट कर दूँगा। अब हमारे पास दो लिंक आ चुके हैं, जिस वेबसाइट से हमने प्रोडक्ट देखा था वो, और अली एक्सप्रेस पे उसके क्या प्राइस हैं। अब आप यहीं देखो, अली एक्सप्रेस पे जो इसके प्राइस मिले हैं वो हैं 4.12, और ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है 24.999। मतलब अगर अब मैं इसका डिफरेंस लगाऊं तो 20.5 डॉलर मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। कैन यू बिलीव इट, ड्रॉप शिपिंग का कितना बेनिफिट है, कैसे लोग अर्न कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। एक प्रोडक्ट जो उन्हें $4 का मिल रहा है वो $25 का बेच रहे हैं। मतलब यही ड्रॉप शिपिंग का बेनिफिट है, जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग से आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। अगेन हम फेसबुक पे आ चुके हैं अपने, और तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हो। तरीके मैं बता दूंगा आपको कैसे रिसर्च करनी है। अब रिसर्च आपको करनी है अपने माइंड से। ये एक प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वाओ ये लाइट है, एक टाइल्स लाइट है जिसको आप कहीं भी शो कर सकते हो। अब ये देखते हैं कितने की है और कहाँ कितने की बिक रही है। काफ़ी सारे हमने इस पर वो देखे, व्यू देखे, और काफ़ी इसके शेयर भी अच्छे काफ़ी हैं और व्यूज़ भी काफ़ी हैं। मॉड्यूलर टच लाइट है ये, और थैंक्स कर देंगे। हम अपने अली एक्सप्रेस पे आएंगे, को सर्च कर लेंगे। ई पैकेट में अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। सेल 4.7, 398 सेल हो चुकी है इसकी, 4.6, 10 सोल्ड, नो नॉट इनफ फॉर मी, 594 सोल्ड, 5 रेटिंग, 77 सोल्ड, ओके दिस वन इज बेस्ट फॉर मी बिकॉज यहाँ जो प्राइस हैं 17 हैं और 40 तक गए हैं। यहाँ हमारे प्राइस थे 58 तक, तो एक अभी तक की सेल में आप नीचे स्क्रॉल भी करके देख सकते हो, आपको अच्छा से अच्छा सेल मिल जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं जाऊंगा तो मैं इस वाले सेलर पर जाऊंगा, क्योंकि 4.8 इसकी रेटिंग है और 286 सोल्ड हो चुके हैं, और इसके प्राइस भी हमें काफ़ी कंपेयरिंग कम लग रहे हैं। 10 पीस विद US अडॉप्टर, लैंप UK अडॉप्टर, यूरोपियन अडॉप्टर, तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आपका बैग किस लोकेशन से खरीदेगा और उसको कौन सा अडॉप्टर चाहिए, कितने पीस चाहिए। तो वेरिएंट काफ़ी हैं इसमें। इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं अपनी एक्सेल शीट में। सेकंड प्रोडक्ट हमें अब जाके मिला है, सेम डेट है। देखो आपको कम से कम 10 प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है। मैं यहाँ आपको 2 प्रोडक्ट रिसर्च करके बता दिए मैंने आपको। इसी तरीके से आपको ये जो एक्सेल शीट है इसमें 10 प्रोडक्ट भरने हैं, तभी आप एक अच्छी रिसर्च कर पाओगे और विनिंग प्रोडक्ट निकाल पाओगे। आशा करता हूं दोस्तों आपकी समझ में आया होगा कि कैसे आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। देखो ये बहुत इजी तरीका है, आपको 10 प्रोडक्ट निकालने हैं ऐसे जो कि आप काफी ट्रेंडिंग हो। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना है, चाहे वो फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं से भी आपको अगर कोई भी आई कैचिंग प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई भी आपको लग रहा है वाओ फैक्टर है उस प्रोडक्ट में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख लो और फिर अली एक्सप्रेस पे जाकर उसको सर्च करो। एक अच्छा वेंडर जब आप मिले, अच्छा प्राइस मिले, तो आप उसको अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट करा लो। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका था ये प्रोडक्ट रिसर्च करने का। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है और कैसे अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये जो पूरे टॉपिक लेके चल रहा हूं मैं आपको, ये शॉपिफाई का एक अच्छा बिजनेस बता रहा हूं, शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाना है, ड्रॉप शिपिंग का पूरा मॉडल मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप खुद करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं ये बिजनेस काफी टाइम से कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बिजनेस को करो। जो भ्रम फैला हुआ है पूरे यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे कि ड्रॉप शिपिंग मत करो, ड्रॉप शिपिंग में नुकसान होता है, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप ड्रॉप शिपिंग से पैसा कमा सकते हो। तो ये मेरी वीडियो आप देखो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाओ, सारी वीडियो देखो, आपकी समझ में आएगा कैसे ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, ड्रॉप शिपिंग को करते कैसे हैं, कैसे हम ऑर्गेनिक रीच के साथ में भी ड्रॉप शिपिंग से पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम $36 इन्वेस्ट करके हम $500 पर मंथ तक कमा सकते हैं।
तो दोस्तों मेरी पुरानी वीडियो है, जाकर जरूर देखो उनको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।